अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारी रसोई। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हैदराबाद की फ़ेमस कद्दू की खीर। बहुत ही फेमस है हैदराबाद में, शादियों में भी बनाई जाती है। बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों को बनाना बताऊँगी। तो इसकी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये 100 ग्राम खोवा लिया है मैंने, और कस्टर्ड पाउडर लिया है मैंने वनीला फ्लेवर का, 3 चम्मच है। इसे मैंने दूध में घोल लिया है। कद्दू यानी लौकी या दूधिया, जो भी आप इसे कहें, ये मैंने थोड़ा ही लिया है, आधा कटोरी। इसे मैंने ना पानी में 2 से 4 मिनट अच्छे से बॉईल कर लिया है, कद्दूकस करके उसका पानी निकाल लिया है। साबूदाना लिया है मैंने 1 कटोरी, और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, पिस्ता, बादाम, काजू को थोड़ा पीस लिया है, 3 से 4 चम्मच है ये। और थोड़े से मैंने कट कर लिया ऐसे बारीक बारीक गार्निशिंग के लिए। और 1 लीटर दूध मैंने लिया है। इसे मैंने ना 4 से 5 इलायची डाल के, ये देखिए, अच्छे से गरम कर लिया है। इलायची डाल के हमें इसे गरम करके रख लेना है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, दूध तो हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। मैंने इसे वापस से गैस को ऑन कर दिया है, वापस से इसे हम पकाएंगे। तो अब ये जब गरम है तो मैं इसमें साबूदाना ऐड कर रही हूँ, और साबूदाने को हम अच्छे से पका लेंगे इसके अंदर। ये बॉईल होते जाएगा और इसमें पकते जाएगा। साबूदाना मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख लिया था। आप चाहे तो 2 घंटे से ज़्यादा भी भिगो सकते हैं। तो अभी मैंने इसमें साबूदाना ऐड कर लिया, और साबूदाने को गलने तक हम पकाएंगे। इसे चलाएंगे और पकाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में। ये देखिए, अभी ये कच्चा है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा जब पकेगा। तो इसे पका लेते हैं हम। तो ये देखिए, साबूदाने हमारे अच्छे से पक चुके हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट हो गए हैं पक। बॉयल दूध भी हमारा बॉयल हो चुका है अच्छे से। अब इसमें हम जो कद्दू हमने रखा था बॉयल करके, वो ऐड करेंगे। इसे भी अच्छे से पका लेंगे 2 से 3 मिनट, और साथ ही में इसमें ऐड करेंगे शक्कर। मैं 1 कटोरी भरकर शक्कर इस्तेमाल कर रही हूँ। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा आप पसंद करते हैं खाना। और इन सबको अच्छे से पका लेंगे 4 से 5 मिनट और हम। तो कद्दू जो हमने डाला था वो भी इसमें अच्छे से पक गया है 2 से 4 मिनट के लिए। और इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट पीस के रखा था वो ऐड करेंगे। और साथ ही में ऐड करेंगे खोवा, आधा जो खोवा है आधा अभी हम ऐड कर देंगे, और आधा हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। इसे और 2 से 4 मिनट अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से पक के रेडी हो गए। मैंने इसमें 1 पिंच ग्रीन वाला फूड कलर ऐड किया है, ये ग्रीन में ही बनती है, ग्रीन कलर में थोड़ा सा मैंने ऐड किया है, 1 पिंच ही ऐड किया है, ज़्यादा नहीं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप वो मत ऐड कीजिए। तो अभी पक रही है, तो अब इसमें हम कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे। कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से आप चला लीजिए और इसमें मिला दीजिए, और इसे अच्छे से चलाइए फटाफट फटाफट से। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे भी चलाते हुए। एक 2 मिनट के लिए इसे पका लेंगे, ताकि कस्टर्ड पाउडर हमारा अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, पक जाए। तो ये देखिए, हमारी हैदराबादी कद्दू की खीर बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये इतनी ही गाढ़ी होती है, इससे ज़्यादा ऐसे हमें गाढ़ा नहीं बनाना। अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसे ठंडा करके फ्रिज में रख के खाएंगे तो ज़्यादा बेटर होता है, बहुत अच्छी लगती है तब ये। तो आप इसे रूम टेम्परेचर पर रख कर भी खा सकते हैं, पर ये ठंडी ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है ठंडी ठंडी होती है। तो अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने रखे थे ना, ऊपर से इस पर ये गार्निश कर देते हैं।
अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए, और जो खोआ हमने रखा था वो भी ऊपर से ऐड करेंगे। अब आप इसे ठंडा करके खाइए, ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे रख के खा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये, तो एक बार ज़रूर आप इसे ट्राई करना। मैं आपको इसे बाद में सर्व करके बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे सर्व किया है बिल्कुल ठंडा करके, बहुत अच्छी बनी है ये, हैदराबाद की हमारी फेमस कद्दू की खीर। तो ज़रूर आप ट्राई करना इस रेसिपी को, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।